नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 100 शहर 100 खबर में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं पटना की पहली खबर से। पटना में एनआईटी एल्यूमिनाई मीट में सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए। सीएम ने प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। देश विदेश से आए सैकड़ों पूर्ववर्ती छात्र भी समारोह में शामिल हुए। समस्तीपुर के ताजपुर हाईस्कूल में आज आयोजित संत रविदास जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह का उद्घाटन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने किया। जीतन राम मांझी ने यहां कहा कि देश में आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने जेडीयू पर बड़ा हमला बोला है। मनोज झा ने कहा कि 2 साल में बिहार में जेडीयू खत्म हो जाएगी। बिहार में कहीं भी कानून व्यवस्था नहीं है। मनोज झा ने संघ प्रमुख मोहन भागवत पर भी बड़ा जुबानी हमला बोला। आरजेडी विधायकों पर हो रहे जानलेवा हमलों को लेकर नीतीश सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा गया है। मनोज झा ने कहा कि हमले बंद नहीं हुए तो आरजेडी बिहार में एक ऐसा आंदोलन खड़ा करेगी जो देश के लिए नजीर होगा। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को सोमवार को होडवार जेल में बंद लालू यादव से मुलाकात करेंगे। बिहार और झारखंड में सियासी सरगर्मी तेज है। शरद यादव और लालू यादव से जेल में होने वाली मुलाकात पर जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि शरद यादव ने अपनी गरिमा को खो दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब 90 का दौर वापस नहीं देखने वाली। रघुवंश प्रसाद ने आरोप लगाया है कि शरद यादव के साथ जेडीयू में दुश्मनों की तरह सलूक हुआ है। जेडीयू नेताओं को शरद यादव पर बोलने का हक नहीं। रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार एक पार्टी की एक पद की परंपरा को निभाएं। 2 पद पर रहने के चलते नीतीश शासन ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। संजय सिंह के बयान पर आरजेडी नेता शिवचंद्र राम ने पलटवार करते हुए कहा कि शरद यादव अगर जेल में लालू यादव से मिलने जाएंगे तो इसमें बुरा क्या है। उन्होंने कहा कि शरद यादव को लेकर जेडीयू को बोलने का हक नहीं। बेगूसराय बखरी विधायक उपेंद्र पासवान ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों को गलत बताया है। विधायक उपेंद्र पासवान ने कहा कि एसपी ने गलत लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले को डायवर्ट किया जा रहा है। बिहार में अब बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए मानव श्रृंखला बनने जा रही है। इस मानव श्रृंखला को पूर्व जेडीयू सांसद शरद यादव का समर्थन मिलेगा। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की ओर से बेरोजगार युवाओं को जागरूक करने के लिए रथ को रवाना किया गया। आरा का बेटा शशिकांत आसाम में शहीद हो गया, जिसके बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आसाम के दीनापुर में तैनात असम राइफल्स में तैनात हवलदार शशिकांत मिश्रा उल्फा उग्रवादियों की फायरिंग में गोली लगने से शहीद हो गया। पटना सिटी के अगमकुआं थाना इलाके में बाइक सवार व्यक्ति को ट्रक ने कुचल दिया। युवक को नर्सिंग होम में ले जाया गया, जहां इलाज न किए जाने पर लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। मधुबनी में पुलिस के डर से तालाब में कूदने वाले दोनों युवकों का शव बरामद कर लिया गया है। तालाब से मछुआरों ने दोनों शव को बाहर निकाला। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस से राइफल भी छीन ली। मोतिहारी में वार्ड सदस्यों ने मुखिया के खिलाफ खोला मोर्चा। सरकारी योजनाओं में मुखिया पति पर खुलेआम कमीशन मांगने का आरोप। ग्राम सेवक पर भी फिक्सिंग में मदद का आरोप। जी बिहार झारखंड के कैमरे में कैद हुआ वीडियो। सीवान पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अलग अलग थाना इलाकों में 9 अपराधी गिरफ्तार। 1 बंदूक, 4 जिंदा कारतूस और चाकू भी बरामद। औरंगाबाद के श्रीकृष्ण नगर मोहल्ले में आईएसआईएस का पोस्टर सटा देखा गया। अंग्रेजी और उर्दू में लिखे इन पोस्टरों में आईएसआईएस से जुड़ने की अपील की गई थी। भागलपुर में गंगा किनारे पुलिस ने 12 साल के बच्चे का शव बरामद किया है। बच्चा श्रवण बरारी का रहने वाला था। पुलिस ने हत्या कर शव को गंगा में फेंके जाने की आशंका जताई है। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान की और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। छपरा के एकमा थाना क्षेत्र के नरहनी गांव में रोड पर मिट्टी गिराते वक्त लोडर का अगला भाग उठ गया। हालांकि गांव वालों से सूझबूझ से ड्राइवर की जान बच गई और बड़ा हादसा होते होते टल गया। शेखपुरा के बरबीघा थाना इलाके में अनियंत्रित हाईवा ने 2 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे बिहार शरीफ रेफर कर दिया गया है। घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी की। मुंगेर में मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी राजीव कुमार ने अपने साथी मारपीट मामले को लेकर थाने में आवेदन दिया और सुरक्षा की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि मारपीट करने वाले लोगों ने
उन पर झूठे रेप केस में फंसाने की भी धमकी दी थी। फिलहाल मामले में पुलिस जांच कर रही है। जहानाबाद में बाइक चोरी की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। मामला नगर थाने के काकू मोड़ का है, जहां शातिर बदमाश भुवनेश्वर कॉम्प्लेक्स के पास युवक की पल्सर बाइक लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई। कैमूर में शेरघाटी में 5 बाल मजदूरों समेत 9 लोगों को एक ठेकेदार फैक्ट्री में काम देने का लालच देकर दिल्ली ले जाकर जा रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चों को छुड़ा लिया है। पुलिस ने बच्चों को चाइल्ड लाइन में सौंप दिया। गोपालगंज में नशाखुरानी गिरोह का आतंक बढ़ता जा रहा है। इस गिरोह ने हाल ही में 25 साल के युवक को नशा खिलाकर लूट लिया। उसे राजेंद्र बस स्टैंड पर छोड़कर फरार हो गए। बाद में एक रिक्शा चालक ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती किया है। सीवान में एक लड़की की जान उस वक्त जाते जाते बची जब फायरिंग की ट्रेनिंग के दौरान पुलिस की गोली उसके पैर में जा लगी। गोली लगने से लड़की घायल हो गई, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। घटना बड़हरिया के पास यमुनागढ़ इलाके की बताई जा रही है। सासाराम में बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से 10 साल के छात्र की मौत हो गई। घटना करगहर थाने के रुपैटा की है। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया। रोहतास पुलिस ने महंगे एंड्रॉयड फोन चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने मोबाइल दुकानों में हो रही चोरी के मास्टरमाइंड समीर खान को गिरफ्तार कर लिया। समीर खान यूपी के चंदौली का रहने वाला है। गिरोह के अन्य सदस्यों की चोरी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। सुपौल के भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के जवानों ने कार्रवाई करते हुए नेपाली हिरण के 5 सींग बरामद किए हैं। जवानों ने तस्करों को रोकने के लिए कोशिश की, लेकिन तस्कर बैग छोड़कर फरार हो गए। भोजपुर में तेज रफ्तार के टेम्पो पलट गया, जिसमें एक शख्स मौके पर ही मौत हो गई। घटना चरपोखरी थाने के सिमराव का है। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। भागलपुर के नाथनगर में तालाब से युवक का शव बरामद हुआ है। हत्या कर शव को तालाब में फेंकने की आशंका जताई जा रही है। नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। कैमूर के दुर्गावती थाना इलाके के डीडी खिली गांव के पास नेशनल हाईवे 2 पर स्थित टोल प्लाजा पर कार सवार कुछ युवक ट्रक से साइड लेने के विवाद में ट्रक ड्राइवर को बुरी तरह से पीटने लगे। युवकों ने गाड़ी के शीशे भी तोड़ डाले और गाड़ी में रखे 20,000 रुपये भी लूट लिए। पटना के विक्रम प्रखंड मुख्यालय स्थित जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में शनिवार को एनआईयूएस के डीलेट अध्ययन केंद्र पर जमकर हंगामा हुआ। काउंसलिंग नहीं किए जाने से नाराज ट्रेनी शिक्षकों ने जमकर हंगामा किया। भोजपुर में बेखौफ बदमाशों का कहर देखने को मिला है। यहां के गजराजगंज थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने न केवल ऑटो में सवार परिवार को बुरी तरह से पीटा, बल्कि उनके साथ लूट को भी अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पटना में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश टोपला यादव को गिरफ्तार कर दिया है। बताया जा रहा है कि टोपला की गिरफ्तारी हरियाणा से हुई है। भागलपुर में अपराधी टोपला के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत कई मामले दर्ज हैं। पटना सिटी में अखबार से लदी जीप को ट्रक ने टक्कर मार दी। जीप में सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया है। घायल को इलाज के लिए भेजा गया है पीएमसीएच। बाढ़ के गुलाबबाग चौक पर ट्रक ने महिला को कुचल दिया। हादसे में घायल महिला की अस्पताल में मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 31 पर जाम लगा दिया। बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने पटना इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सुशील मोदी ने पेटा इलेक्ट्रिकल पेज डायरी का विमोचन किया। पटना में इंटर की परीक्षा की तैयारी पूरी हो चुकी है। 6 फरवरी से होने वाली परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा ने बयान दिया है कि यह परीक्षा कदाचार मुक्त होगी और चोरी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। शिक्षा मंत्री खुद सभी परीक्षा केंद्रों पर औचक निरीक्षण करेंगे। इंटर की परीक्षा में कड़ाई को लेकर आरजेडी ने सरकार पर हमला बोला है। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने कहा कि स्कूल कॉलेज में शिक्षक नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है और सरकार परीक्षा में कड़ाई का दावा कर छात्रों पर बेकार का दबाव बना रही है। बीएससीबी में इंटर के विज्ञान के छात्र को हिंदी की जगह उर्दू में परीक्षा देने का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। मामला गोपालगंज के खजूरिया में मौजूद पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज का है। अब छात्र को एक ही दिन एक ही समय पर दो विषयों पर परीक्षा देनी होगी, जिसके चलते वो एडमिट कार्ड में सुधार के लिए जगह जगह गुहार लगा रहा है। बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के लेकर जी बिहार झारखंड की तरफ से चलाई जा रही मुहिम की जागरूकता एलईडी वैन समस्तीपुर पहुंची, जहां
सरकारी बस स्टैंड में डीएम प्रणव कुमार और जिला पार्षद अध्यक्ष प्रेमलता ने वैन का स्वागत किया। डीएम प्रणव कुमार जी बिहार झारखंड की तरफ से चलाई जा रही मुहिम की लोगों ने तारीफ की। 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव का आज सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समापन हुआ। आखिरी दिन श्रीलंका, म्यांमार, वियतनाम के कलाकारों ने अपनी नृत्य और गायन शैली से दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं बॉलीवुड की पार्श्व गायिका ममता शर्मा ने अपने गानों से खूब धमाल मचाया। पटना में इन दिनों बच्चे एडवेंचर और हॉट एयर बलून को लेकर लुत्फ उठा रहे हैं। बिहार में पहली बार एडवेंचर और हॉट एयर बलून का आयोजन किया गया। बच्चों ने अब से पहले इस तरह का आयोजन पहले कभी नहीं देखा था, जिसके चलते यहां बच्चों की काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है। छपरा के मढ़ौरा नगर क्षेत्र में दो पक्षों के विवाद को सुलझाने के लिए जिलाध्यक्ष अल्ताफ राजू, वरिष्ठ नेता शैलेंद्र प्रताप सिंह और अरुण सिंह अस्तुनिया पहुंचे। इस दौरान दोनों पक्षों के लोगों के बीच शांतिपूर्ण माहौल को लेकर बातचीत की गई। दोनों नेताओं ने सभी से आपसी भाईचारे और सौहार्द से रहने की अपील की। कैमूर जिले के मोहनिया प्रखंड के अहिनौरा गांव में 7 निश्चय की गड़बड़ी की खबर चलाए जाने के बाद बिहार विकास मिशन के उप सचिव अनिमेश पांडे पटना से कैमूर पहुंचे। मोहनिया बीडीओ के साथ गांव की हर योजनाओं का जायजा लिया। जांच के लिए आए पदाधिकारी को ग्रामीणों ने एक एक खामियां भी दिखाई। धाम फाउंडेशन और आईटीसी मिशन सुनहरा कल के तहत हवेली, खड़गपुर, असरगंज, धरहरा आदि प्रखंड के किसानों ने नगर के पटेल चौक से पदयात्रा निकाली। प्रखंड प्रमुख अनीता देवी ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। पटना के बाईपास पर मौजूद आचार्य सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी और व्यंजन मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मेघालय के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने किया। बाढ़ में प्राइवेट स्कूलों में भी अब ट्रेंड शिक्षक रखने की कवायद शुरू की गई है। इसके लिए हर क्षेत्र में सेंटर बनाए गए हैं, जिसके मुताबिक हफ्ते में 2 दिन शिक्षकों को ट्रेंड किया जाएगा। लेकिन बाढ़ के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा, जिससे सभी अभ्यर्थी काफी नाराज हैं। रांची में वन प्राणियों के संरक्षण पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम रघुवर दास भी हुए शामिल। बेहतर काम करने वाले वनकर्मियों को सीएम ने किया पुरस्कृत। बूथ जीतो, चुनाव जीतो, इसी मंत्र के साथ बीजेपी मिशन 2019 को साधना चाहती है। इसके लिए एक साथ पूरे राज्य के 513 मंडलों की बैठक कर पार्टी सभी 29,543 बूथ का चुनावी प्रबंधन की तालीम बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को दे रही है। झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय दिल्ली जाने को लेकर झारखंड में कई तरह की चर्चाएं हो रही थी। मुलाकात के सवाल पर मंत्री सरयू राय ने खुद विराम लगा दिया है। उन्होंने अपनी दिल्ली यात्रा को निजी बताया है। 7 फरवरी की दिन नेतरहाट में होने वाली रघुवर कैबिनेट की बैठक को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत और कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रहे धीरज प्रसाद साहू ने सरकार पर हमला बोल दिया है। धनबाद में चाल धंसने से पिता और पुत्र घायल हो गए। अवैध खनन के दौरान यह हादसा हुआ। घटना नीरसा थाना क्षेत्र की है। हादसे में घायल पिता और पुत्र को पीएमसीएच में भर्ती किया गया है। इस हादसे में 2 अन्य लोगों के भी मलबे में दबे होने की आशंका है। जामताड़ा में अटैची चोर गैंग के 4 सदस्यों को आरपीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 25,000 रुपए और गहने भी बरामद किए। सभी आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। जमशेदपुर में इलेक्शन स्पेशल ट्रेन में आग लग गई। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर यह ट्रेन खड़ी हुई थी। पुणे से त्रिपुरा जा रही थी इलेक्शन स्पेशल ट्रेन। ट्रेन में 140 जवान मौजूद थे। आग पर काबू पा लिया गया। चतरा में लावालौंग प्रखंड के लमटा गांव में करीब 12 गरीब परिवारों को वन विभाग ने घर खाली करने का नोटिस थमा दिया है। इन परिवारों को वन विभाग ने नोटिस थमा दिया है कि घर खाली करो, वरना सभी घरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। लातेहार की खूबसूरती पर वन माफियाओं की नजर पड़ गई है। वन माफिया चंद रुपयों के लालच में वन संपदा को लूटने में लगा हुआ है। जंगलों में अवैध उत्खनन के जरिए रोजाना लाखों रुपए की कमाई की जा रही है। जामताड़ा सदर अस्पताल में हुए बच्चा चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरों में एक व्यक्ति बच्चे को लेकर जाते हुए दिख रहा है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि बच्चा चोरी की इस घटना में एक गैंग शामिल है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बच्चे की बरामदगी कर ली जाएगी। गिरडी में राजधनवार बाजार में अज्ञात युवक का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शुरुआती जांच में लग रहा है कि युवक की हत्या के बाद उसे जलाने की कोशिश की गई है। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। कोडरमा के मरकच्चो थाना क्षेत्र के पंचखेरो जलाशय के पास ऑटो पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद दक्षिणी पंचायत स्थित उसके घर में शोक का माहौल है और उसकी परिजनों का रो रोकर बुरा हाल।
गिरिडीह के मां और बेटे के कुएं में शव मिले हैं। घटना देवरी थाना क्षेत्र के कोशो गोंदो दीघी गांव की है। फिलहाल मौत की वजह से अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लोहरदगा में टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन बीएस कॉलेज स्टेडियम में किया गया। चार दिन तक चलने वाली टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में 5 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। कोडरमा को स्मार्ट सिटी को इस सूची में लाने के लिए उपायुक्त संजीव कुमार और एसपी शिवानी तिवारी ने आला अधिकारियों के साथ पूरे शहर का निरीक्षण किया, जिसमें गाड़ियों के परिचालन को लेकर अलग अलग रूट मैप बनाए गए। करीब 1.5 घंटे तक यह निरीक्षण चला। वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर जमशेदपुर में लोगों ने जागरूकता मैराथन निकाला। कैंसर के खिलाफ जंग की बात की। ब्रह्मानंद के द्वारा आयोजित इस मैराथन में हजारों छात्रों और लोगों ने हिस्सा लिया। पाकुड़ के कृषि विभाग में ई नेम के तहत जिले के 150 एक्टिव किसानों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। बाजार समिति की तरफ से कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। पाकुड़िया के पाकुड़िया प्रखंड में निर्माणाधीन पाकुड़िया राजदाहा सड़क की गुणवत्ता की जांच की गई। यह सड़क 7 किलोमीटर लंबी बनाई जा रही है। इस दौरान अधिकारियों ने सड़क निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री की जांच की और जगह जगह सड़क की चौड़ाई की भी जांच की गई। हजारीबाग में समाज कल्याण पदाधिकारी गरिमा सिंह ने एक आंगनबाड़ी सेंटर को गोद लिया है। खास बात यह है कि सिर्फ 2 महीने में उन्होंने सेंटर को एक मॉडल प्ले स्कूल का रूप दे दिया है। जी बिहार झारखंड का एलईडी रथ गढ़वा पहुंचा। गढ़वा पहुंचने पर एलईडी रथ का स्वागत किया गया और मौजूद लोगों ने जी बिहार झारखंड की मुहिम की जमकर तारीफ की। नोएडा में फर्जी एनकाउंटर का आरोपी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। 4 पुलिस वाले भी सस्पेंड। नोएडा के एसएसपी लव कुमार ने माना बीती रात शहर के फेज 3 में हुई घटना मुठभेड़ नहीं। एसएसपी लव कुमार का दावा, जितेंद्र यादव और सब इंस्पेक्टर दोनों आपस में एक दूसरे को जानते थे। पीड़ित परिवार वालों का आरोप, नशे में धुत दारोगा ने कहा सुनी के बाद मारी गोली। घर वालों के मुताबिक 4 युवक बहरामपुर से लौट रहे थे। रात 10:30 बजे पुलिस वालों ने गाड़ी रोकी और जितेंद्र यादव को गोली मारी। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 12,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। 1 सिपाही भी घायल। दिल्ली में पुलिस वालों की गुंडागर्दी। सेंट्रल एक्साइज के अफसर और आयकर विभाग के कर्मचारी को सड़क पर बेरहमी से पीटा। आरोपी एसएचओ समेत 5 पुलिस वालों के खिलाफ जांच शुरू। एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया। महावीर सिंह सैनी नाम के व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई। 7 लोगों के साथ मारपीट का आरोप। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। लगातार भारी गोलीबारी जारी। महबूबा सरकार की पत्थरबाजों के समर्थकों पर भी मेहरबानी। अलगाववादियों की लिस्ट में सैयद अली शाह गिलानी का नाम। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ आरोप में पश्तूनों ने आजादी के नारे लगाए। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह का अंतिम संस्कार। हजारों लोगों ने दी अंतिम विदाई। अंतिम संस्कार से पहले हुकुम सिंह के परिवार से मिले सीएम योगी। परिवार का हालचाल जाने। दिल्ली में 17 साल की लड़की के साथ यौन उत्पीड़न। दौलतराम कॉलेज के प्रोफेसर पर लगा है आरोप। दिल्ली के स्कूल में छात्र की मौत के मामले में पुलिस ने फरार 4थे छात्र को भी पकड़ लिया है। शुक्रवार को पिटाई के बाद तुषार की मौत हुई। दिल्ली में फिजियोथेरेपिस्ट ने दूसरी पत्नी के लिए पहली पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। दिल्ली में 4 दोस्तों ने पीट पीट कर जेब कतरे की जान ले ली। पुलिस ने 4ों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के हाथरस में हाई वोल्टेज लाइन के पोल पर चढ़ा एक व्यक्ति। पत्नी से हुआ था विवाद। यूपी के बिजनौर में मामूली विवाद के बाद पड़ोसी ने महिला पर तेजाब फेंका। महिला अस्पताल में भर्ती। 30% से ज्यादा झुलसी। यूपी के मुजफ्फरनगर में 22 दलित परिवारों ने धर्म परिवर्तन की धमकी दी। मजदूरी के पैसे नहीं मिलने से नाराज। अमेठी में पिछले हफ्ते हुए मर्डर केस में नामजद आरोपी गिरफ्तार। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मालदीव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राजनीतिक कैदियों की रिहाई नहीं। चीफ जस्टिस के घर के बाहर किया गया प्रदर्शन। आतंकी दाऊद पर ब्रिटिश रिपोर्ट का दावा। ब्रिटेन में कई होटल्स और बंगलों का मालिक है।
सीरिया में रूस का फाइटर विमान मार गिराया गया है, पायलट की विद्रोहियों ने हत्या कर दी। फिलीपींस में ज्वालामुखी से राख का धुआं निकला, विस्फोट की चेतावनी, हजारों लोगों ने छोड़ा घर। पाकिस्तान के पेशावर में आत्मघाती धमाका, 3 अफसरों की मौत, 7 सुरक्षाकर्मी घायल। लैक्मे फैशन वीक में विपाशा बसु का ग्लैमरस लुक, रेशमा कुन्ही ने तैयार किया आउटफिट। लैक्मे फैशन वीक के लिए मॉडल निधि अग्रवाल का डेब्यू, श्लोका ने तैयार किया आउटफिट। फिल्म गोल्ड का टीजर 5 फरवरी को रिलीज होगा, ओलंपिक विजेता पर आधारित है यह फिल्म। नमस्ते इंग्लैंड में अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा की जोड़ी एक साथ नजर आएगी, मुंबई, पंजाब और लंदन में शूटिंग होगी। अगले साल 2 अक्टूबर को ऋतिक टाइगर की एक्शन फिल्म रिलीज होगी, फिल्म की शूटिंग अगस्त से शुरू। सौ शहर 100 खबर में।